And on to Arunachal again, Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat, along with Chief Minister Pema Khandu, today inaugurated the integrated multi-village water supply project at Jia near Roing in Arunachal Pradesh. The project, a solar-based lift water supply for 39 census villages, has been sanctioned under the state plan at an estimated cost of Rs. 31 crore. The project will benefit a population of close to 18,000 people. The project will not only provide potable drinking water to 39 census villages, but also envisages to promote tourism in the area. ये जो जिया का वाटर सप्लाई इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है, इट हैज़ बीन कंसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इसका कंप्लीशन टाइम एक टारगेट से हम लोग सेट किया था 1.5 ईयर्स का, तो उसका अंतर्गत में हम लोग ने अचीवमेंट किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सोलर का भी यहाँ पे प्रयोग किया है, यहाँ पे टूरिज्म का भी हम लोग ने यहाँ पे डबलिंग किया है, और यहाँ से जिस प्रकार से जो मॉनिटर होता है वाटर सिस्टम का, वो भी पूरा कंप्यूटर का माध्यम से इसमें मॉनिटर हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आने वाला दिनों में इस प्रकार का जो मल्टी इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है, वो बाकी के डिस्ट्रिक्ट में भी हम लोग लेके जाएंगे। We also have reactions from Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat on the center's push to infra development in Arunachal Pradesh. केवल दूसरे जिलों को नहीं, अरुणाचल के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक पीने का पानी पहुंचे और उसी क्रम में देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन में भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। हम राज्यों को हर संभव प्रयास सहायता दे रहे हैं। 3,60,000 करोड़ रुपए की इस कुल परियोजना में भारत सरकार पूर्ण रूप से राज्यों के साथ में खड़ी है। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने प्रारंभ में भी कहा कि जल राज्य का विषय है संविधान प्रदत्त व्यवस्था के हिसाब से, इसलिए इसका प्रॉपर डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये सब राज्य सरकारों को करना है। राज्य सरकार को किसी भी दृष्टि से, विशेष रूप से मैं अरुणाचल में बैठा हूँ इसलिए अरुणाचल के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ, कहीं भी किसी भी दृष्टि से धन और संसाधन की कमी नहीं आने दी जाएगी। अभी भी हमने अरुणाचल प्रदेश को यथेष्ट पैसा दिया है।